एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ही वीडियो में दो रेमेडी। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में मत जाइएगा। दो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ही औसम रेमेडी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फेनुग्रिक टोनर। फर्स्ट बनाऊंगी फेनुग्रिक टोनर, सेकंड आपको मिलेगा फेनुग्रिक सीरम। ठीक है, तो फर्स्ट है टोनर, उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेथी दाना को रात भर के लिए भिगोना है। ठीक है, रात भर आप पानी में भिगो दीजिए। मैंने इसके 4 चम्मच के करीब लिया है दाना, मेथी दाना, और 1 ग्लास पानी डालकर और मैंने भिगो दिया है। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, एंड आप देखेंगे तो मेथी दाना की जितनी भी गुडनेस है वो वाटर में आ गई है और वाटर पूरा येलो येलो हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके पूरे फ़ायदे बताऊँगी मेथी दाना के। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वाटर हमारा है, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस वाटर से अपने हेयर पूरे वॉश कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में अगर हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद में बस इस पानी को लेकर अपने बालों पे लास्ट में डाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी वॉश कर सकते हैं, एंड प्रॉपर आपको इसका टोनर बनाकर रखना है तो आप वो भी रखिए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला है, कुछ ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हमें एज ए टोनर बनाना है बालों के लिए, ताकि हम दिन में 2-3 बार इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, एंड इसलिए मैंने यहाँ पर समझ लो आप 10 ड्रॉप के करीब मैंने ऑलिव ऑयल इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसमें एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। आप लोगों के पास एसेंशियल ऑयल जो भी हो, चाहे टी ट्री का है, चाहे लेवेंडर है, चाहे यूकेलिप्टस है, चाहे रोजमेरी है, अनियन है, कोई भी आपके पास है गाइस, उनमें से आपको 3 से 4 ड्रॉप उसकी डाल दीजिएगा। मेरे पास यूकेलिप्टस और लेवेंडर, ये दोनों ही वाव से आए हैं, उन्होंने सेंड किए थे और मैंने दोनों का रिव्यू कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों ही एसेंशियल ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल हो गाइस, आप वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप रहने दीजिए, अगर जो भी है वो डाल दीजिए। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कुछ मत डालिए, ओनली आपको इसका वाटर लेकर स्प्रे बॉटल में भर लेना है एंड वही यूज़ करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़ायदे बताती हूँ फेनुग्रिक सीड के। मैंने आपके साथ फेनुग्रिक जेल, फेनुग्रिक पैक एंड ऑयल और टोनर अभी शेयर कर दिया, और सीरम सारी वीडियो आपको दे दी है गाइस। आप लोग इसे यूज़ करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपको 99 नहीं बोल रही मैं, 100% मिलेंगे जब आप इसे यूज़ करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि दाना मेथी जो होती है वो हमारे बालों में एक्चुअल में क्या काम करती है। दाना मेथी होती है, उसमें विटामिन ए होता है, के सी, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, ये इतनी सारी गुडनेस होती है जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, आपके जो भी डैमेज हेयर है उन्हें रिपेयर करती है, आपको डैंड्रफ की शिकायत को दूर करती है, रूट्स जो है ना, जड़ें वो मजबूत होती है, बाल बहुत तेज़ी से लंबे और घने होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी है, बालों को काला भी बनाए रखती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है। तो दाना मेथी बहुत अच्छी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रात भर इसको भिगोना है। रात भर भिगोने से इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है, फिर आपको बिल्कुल ये गर्म नहीं करेगा। ओके, एंड इसको मैंने स्प्रे बॉटल में भर लिया है टोनर को, और मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा रही हूँ। इसको आपको दिन में 3-4 बार लगा लीजिए, जब मन करे लगा लीजिए, ये आपके बालों को बिल्कुल भी टाइट या हार्ड नहीं करेगा। और आप उसके बाद में आप अपनी चोटी बना लीजिए, बन बना लीजिए, आपको जो भी बनाना है वो कर लीजिए। ठीक है, ऐसे दिन में 2-3 बार आप यूज़ कर लो, ये टोनर आपका रेडी है। ये बस ये चीज़ें आप, मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें डाली ना गाइस, वो इसलिए डाली है क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। आपको सिर्फ दाना मेथी का बेनिफिट चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ दाना मेथी का वाटर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो रेमेडी, मैं सेकंड रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो रेमेडी है सीरम। ये मैं बनाऊँगी फेनुग्रिक सीरम। ये फेनुग्रिक सीरम आपके बालों में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। जैसे कि हम नॉर्मली सीरम लगाते हैं ना नहाने के बाद अपने बालों में, जिससे हमारे बाल टेंगल फ्री रहते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं, शाइन करते हैं ना, तो ये फेनुग्रिक मैं आपको सीरम बता रही हूँ बिल्कुल वही काम करेगा जैसे कि एक लिवॉन सीरम करता है।
तो आपको क्या करना है, फेनुग्रीक वाटर ले लेना है जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, रात भर भिगोकर मॉर्निंग में हम जो लेंगे, ये वाटर मेरा जो बच गया था ना मैं इसी का बना रही हूँ। और आप लोग ये दोनों रेमेडी साथ में बना लेना, इसलिए मैंने इस वीडियो में दोनों को रेमेडी को शेयर इसलिए ही किया है क्योंकि देखो हम रात को भिगोएंगे तो वैसे भी हम पानी थोड़ा ज़्यादा ले लेना ताकि हम दो चीज़ें एक साथ बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने शेयर कर दी, सेकेंड में हम सिरम बना रहे हैं तो आपको ये वाटर ले लेना, ये आधा कप के करीब वाटर है। अब मैं इसमें सेकेंड जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ले रही हूँ गाइज, ये पर्पल से मैंने मंगाया था, काफ़ी अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं तो वहाँ से मैं बाय करती रहती हूँ क्योंकि एलाइट मेंबरशिप मैंने ले रखी है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मैं ले रही हूँ, एक चम्मच के करीब मैंने लिया है इसमें। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, पतंजलि का है तो वो ले लेना, अगर आपके पास मार्केट का नहीं है और घर पर प्लांट है तो आप प्लांट वाला ले लीजिएगा, लेकिन उसको आपको ग्राइंड करना पड़ेगा तब वो अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ थर्ड इंग्रेडिएंट गुलाबरी का गुलाब जल यानी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके पास जो भी है वो लीजिए, वो आपके रोज़ वाटर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्कैल्प को ठंडक देता है एंड आपके बालों में एक चमक लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 6 से 7 चम्मच के करीब इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है। इसके बाद में लिया है मैंने विटामिन ई ऑयल, ठीक है। आपके पास विटामिन ई के जो इवॉन कैप्सूल आते हैं वो हैं तो 2 कैप्सूल डाल देना, अगर वो नहीं है तो फिर आलमंड ऑयल डाल देना। आप बोलोगे यार हमारे पास तो आलमंड ऑयल भी नहीं है, तो आपके पास कोकोनट ऑयल तो 100% होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोकोनट ऑयल नहीं है। अगर है तो आधा चम्मच कोकोनट ऑयल का, अगर वो नहीं है तो आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का, ठीक है। जो भी ऑयल है वो आधा चम्मच, अदरवाइज़ ये इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि यार आप जाओ मार्केट से लेकर आओ, आप ऑनलाइन बाय करो फिर लगाओ, नहीं। आपके पास जो जो इन्ग्रीडियंट हैं आप वो यूज़ करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास देखो इतने सारे इन्ग्रीडियंट हैं और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मंगानी पड़ती है और मैं मंगाती भी हूँ इनको और यूज़ करती हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती हूँ, तो मैं इनको सब चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप सिंपल प्योर अपना मेथी का वाटर लेकर लगा लीजिए तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ओके। समझ आई आपको सारी चीज़ें। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ये हमारा सीरम रेडी हो गया है। इसको लगाना कैसे है आपको मैंने बता ही दिया है, जब आप नहा कर आएंगे आपके बाल गीले गीले होंगे उसके बाद में, यानी कि गीले गीले मीन्स 80% हमारे बाल जब ड्राई हो जाते हैं ना, फिर आप सीरम को हाथ में लेकर पूरे बालों पर अच्छे से लगा लीजिए और ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से डिटेंगल रखेगा, टेंगल फ्री रहेंगे, बाल मैनेजेबल रहेंगे, शाइन करेंगे, चमकते रहेंगे और साथ ही साथ मजबूत रहेंगे, है ना। रूट्स हैं वो मजबूत रहेगी स्कैल्प में। इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंथ पे लगाना, ये हमारा घर का बनाया हुआ है, हमने खुद ने बनाया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है कि आप इसे स्कैल्प पर नहीं लगाएं, आप अपने पूरी स्कैल्प से लेकर और नीचे एंड्स तक पूरे पर इसे ईजिली लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा ये सीरम। तो ये हो गया हमारा सीरम और टोनर, दोनों रेडी हो गए हैं। आगे आपको इसका एप्लीकेशन भी दिखा दूंगी मैं। और मैंने कल पोस्ट किया था कि ये दोनों बॉटल्स मैंने पास पास रख के पोस्ट किया था कम्युनिटी में कि ये क्या है आप लोग बताइए। तो गाइस किसी ने भी प्योर पूरा 100% आंसर नहीं दिया है, बस एक ने आंसर दिया था जिनका नाम है रीमा जी। रीमा जी ने आंसर दिया था कि ये टोनर है एंड सीरम है, उन्होंने दोनों मतलब सही बोले थे, ठीक है। तो उनका नाम मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि जो सही बताएगा उनका नाम लूँगी मैं, तो उनकी आईडी है रीमा नाम से, आगे और भी है बट मैं आपको सिर्फ रीमा बोल रही हूँ, वो समझ जाएंगे आई थिंक। तो आपने एकदम सही गैस किया है, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और आप सबके कमेंट मैं सबके रीड करती हूँ, सबको जवाब देती हूँ, रिप्लाई मिलता है आप सभी को। तो गाइज आप लोग सब लोग कमेंट करके जाया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और जब ढेरों लाइक देखते हैं ना वीडियो पे तो और भी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए लाइक ज़रूर किया करिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार गाइस आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और हेयर केयर की जो भी वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में ऑप्शन है, फोल्डर है हेयर केयर, वहाँ आपको सभी हेयर केयर की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, जैसे आज ही आपने सब्सक्राइब किया है और आप लोगों को पता नहीं है पुरानी वीडियो, तो गाइस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हेयर केयर वाली वीडियो में देखिए, आपको सभी हेयर केयर की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और ये लास्ट में मैंने क्लिप डाली है कि बाल कितने सिल्की स्मूथ हो गए हैं इसको लगाने के बाद, तो दिन में आप 2-3 बार यूज़ कर लेना, ठीक है। बाय बाय।